अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं चिली गार्लिक सॉस, जो हर घर की ज़रूरत है और सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है और घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। सबसे पहले आप एक पैन ले लें, उसमें आप 3 से 2 टीस्पून टेबल स्पून ऑयल डालें। अब मैंने इसमें ऑयल डाला हुआ है, मैंने इसको हल्का सा जो है ना उसको हॉट किया हुआ, ठीक है। अब इसमें मैंने ऑयल डाला हुआ है, अब आप बाकी के इंग्रीडियंट देखें। ओके, तो अब इसके आपको सारी इंग्रेडिएंट बताते हैं कि इसमें क्या क्या डलेगा। सबसे पहले इसमें चिली है, आप चाहे तो ड्राई चिली भी ले सकते हैं, चाहे तो ड्राई चिली भी ले सकते हैं। उसको आप सिरका में जो है ना भुगो लें 2-3 घंटे। तो फिर ऐसे थी मेरे पास, ये थोड़ी सी नॉर्मल है तो मैंने ये ले ली। और गार्लिक है यहाँ पर 3 टू स्पून। और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून जो है शुगर है, सिरका है 3-4 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून जो ओके 2 टेबल स्पून इसमें ये है केचप है, और 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस है, 1 टीस्पून इसमें शुगर है, और इसका मैंने आपको बता दिया था 300 ग्राम के ऑलमोस्ट पास है, और गार्लिक है 2 टेबल स्पून होगा। तो अब इसको हम जो है वो चॉपर में डाल के चॉप करते हैं। ओके, मैं अब गार्लिक चॉप कर रही हूँ, अब इसमें गार्लिक चॉप किया है। पहले सबसे पहले हम गार्लिक डालेंगे, ठीक है। ओके, ऑयल गर्म है तो अब मैं इसमें गार्लिक डालूंगी। इसको हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन, ठीक है। इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, चॉप कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने देते हैं और साथ ही हम इसमें मिर्चे इसमें डाल देंगे। ओके, यहाँ पे हम मिर्चे जो है वो ओके तो अब ये देखिए ये ब्राउन हो गया, गोल्डन गोल्डन सा हमें चाहिए। तो अब हम इसमें जो है ना ये जो हमने ग्राइंड की है ब्राउन चॉपर में, जो आप डाल देंगे सारी चिली डाल देंगे, और ये जो बाकी है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के डालेंगे क्योंकि ये इसमें बच गया। ओके, ये जो आप साथ लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ताकि ये अच्छी तरह से उतर जाए। तो आप इसको हम यहाँ पर इसको पकाएंगे 2 मिनट इसको पकाएंगे। और भी साथ साथ मेरा बेटा कह रहा है क्यों जी बोले, अम्मी से जितना बोला जा रहा है मैं उतना ही बोल सकती हूँ। तो अब साथ साथ हम बाकी के भी इंग्रेडिएंट इसमें डाल देंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, आपको बताया था 1 टेबल स्पून सोया सॉस है, ठीक है। और उसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा उसको पका लेते फिर डालते हैं, ठीक है। ओके, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए चलिए। तो अब यहाँ पे जो है ना मैं बाकी भी चीज़ें डालूंगी। ये मैंने इसमें केचप डाल दिया, आपको बताया था 2 टेबल स्पून के ऑलमोस्ट ये है केचप, ठीक है, टेस्ट के लिए। और 1 टीस्पून शुगर है, ब्राउन शुगर डाल रही हूँ मैं, आप जो मर्जी डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका कलर हो गया, अब इसमें चाहें तो आप और मज़ीद कलर के लिए आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, वो सिर्फ कलर के लिए। और उसके बाद मैं सिक्का डालूंगी इसमें, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ ये कि कलर के लिए, लेकिन मुझे तो इस तरह भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस वजह से उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पास ये ताज़ी मिर्चें नहीं है रेड, तो आप उसकी जगह पे ड्राई भी ले सकते हैं। ड्राई मिर्चों को आप सिरका में 1 कप सिरका के अंदर भगो दें, 1/2 घंटा के लिए भगो दें, उसके बाद फिर आप उसको चॉप करके तो बनाएं और आप खा के देखें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार है। आपको हर वक्त घर में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि घर में घर की चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, तो इसलिए हमें पता है कि हमने क्या इस्तेमाल किया है, और साफ़ सुथरा और सस्ता भी और बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी इकोनॉमिकल बहुत ही अच्छा है। चले देखें हम ये बन गया ऑलमोस्ट, ये कितना ठीक हो गया इसके अंदर जो भी है। तो अब इसको हम इसको फ्लेम जो है वो बंद करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं, फिर जार में डालते हैं, तो फिर आपको बताते हैं।
चले तो ये देखें मैंने इसको ठंडा करके इसमें डाल लिया। आप इसको एक महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार, इकोनॉमिकल, अच्छा और सबसे बड़ी बात कि आपके घर की ज़रूरत है तो आप इसको एक महीने तक यूज़ कर सकते हैं। आप इसको खाएँ, फ्रिज में रखें, खाएँ, खिलाएँ, बनाएँ, इंजॉय करें और सबको दुआ में याद रखें। और प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी गलतियों को इग्नोर करें प्लीज़। Hey, stop. Don't forget to subscribe to the channel and please leave a like in all videos and comment for the next dish. And don't forget to touch the bell icon to don't miss any updates. Thank you. Please like the video, share it, subscribe the channel, and touch the bell icon.